तो चलिए गाइस, तो आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज जो मॉडल देख रहे हैं कुचिना भेंटो, तो कुचिना भेंटो एक 90 सेंटीमीटर का चिमनी है। इसी चैनल में ऑलरेडी 60 सेंटीमीटर का वीडियो ऑलरेडी दिया गया है, अनबॉक्सिंग वीडियो, और लाइव चला के भी उसको दिखाया गया है, और इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा आज। जो कुछ इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो आज आएगा दो एक दिन में, तो इसका जो इसमें क्या क्या है नहीं है आप लोग शायद 60 में देखे होंगे, नहीं तो आप लोगों को फिर से हम बता दे रहे हैं 90 में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। इसमें जो मिल रहा है आप लोग, इसमें 1200 सक्शन आप लोगों को मिलेगा, और इसमें 2 LED लाइट दिया गया है, और इसमें ये वाला जो चिमनी है आप लोग इसे जेस्चर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और टच में भी ऑपरेट कर सकते हैं। दिख ही रहे हैं यहाँ पर हैंड का साइन है, ठीक है, तो दोनों में आप लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। एक फिल्टरलेस ऑटोक्लीन थर्ड जनरेशन चिमनी है, क्या है, फिल्टरलेस ऑटोक्लीन थर्ड जनरेशन ऑटोक्लीन चिमनी, ठीक है, और इसमें आप लोगों को 3 स्पीड मिल जाएगा। इसका जो ऑयल कलेक्टर दिया गया है वो मेटल का दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए फिल्टरलेस है, आप लोग इसे इस फिल्टर को खोल के खुद में भी खुद से भी घर में आप इसे साफ कर सकते हैं इसका अंदर का भी। और इसमें जो 2 LED लाइट दिया गया, यहाँ पर देखिए 2 LED लाइट दिया, पहले फिलामेंट लाइट आता था, अभी सभी चिमनी में लगभग LED लाइट ही दिया जाता है। ये 2 LED लाइट 1.5 वाट का 2 LED लाइट दिया गया है, और इसमें इसका जो लेंथ है 90 सेंटीमीटर, यहाँ से बायां तरफ से दायां तरफ का इसका जो लेंथ कितना है 90 सेंटीमीटर, एक 90 सेंटीमीटर का चिमनी है। आप लोग इसे 60 सेंटीमीटर में भी मिलेगा आपको, ये 75 में भी और 90 में भी, तो तीनों में आप इसे परचेज कर पाएंगे। और इसका नॉइज़ लेवल है 58 डेसिबल, जो कि काफ़ी मतलब जो कि रेगुलर में रहता है, और 58 डेसिबल इसका नॉइज़ लेवल दिया गया है। और कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है वो आप लोगों को हम चला के दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इसे परचेज कर पाएंगे मतलब करेंगे तो इसी प्रकार से आपके घर में रहेगा, तो ये काफ़ी कूल लुकिंग इसका है, मॉडल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए इसे चिमनी को चला के आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए चिमनी जेस्चर से जब भी आप ऑन करेंगे इस चिमनी को, एक में स्टार्ट होगा पहले, और LED लाइट साथ ही साथ जल जाएगा, 2 जो LED लाइट दिया गया। आप अगर टॉर्च में स्टार्ट करेंगे तो उसमें लाइट नहीं जलेगा, सिर्फ तब सक्शन ही ऑन होगा, ठीक है। तो एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। अगर इसे बंद करना है जेस्चर से तो फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड में 2 बार आपको लगातार करना होगा, 1 2, तो चिमनी बंद हो गया, ये जेस्चर का काम हो गया इसका। अब टॉर्च में कैसे काम करेंगे, टॉर्च में पहले आपको पावर बटन को ऑन करना होगा, ये इसका पावर बटन ऑन हो गया है। उसके बाद आपको 1 2 3, ठीक है, टॉर्च में आपको लाइट बटन अलग से दबाना पड़ेगा, तभी जाके लाइट इसका जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। देखिए यहाँ पर लाइट बटन है, लाइट बटन को दबाएंगे तो लाइट जलेगा, जब आपका ज़रूरत होगा लाइट जलाने का तभी आप जलाइएगा, नहीं तो फालतू में लाइट जला के इलेक्ट्रिक बिल खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो पास में आप देख रहे हैं ये वाला बटन, ये है ऑटो क्लीन का स्विच, ठीक है, ऑटो क्लीन का स्विच है ये वाला बटन, तो इसको दबाएंगे, इसको जब आप इसको दबाएंगे तो आपका ऑटो क्लीन होगा इस चिमनी का, जो ऑटो क्लीन फंक्शन, आपको अगर ऑटो क्लीन फंक्शन पूरा जानना है इसका तो फिर इसी चिमनी को जब लेंगे आप तो उसका जो मैनुअल बुक है, उसका मैनुअल बुक इसका जो ऑटो क्लीन प्रोसेस है फुल दिया गया है, जो कि इसे बटन को प्रेस करना होता है और लगातार 10 से 12 मिनट टाइम लेके आपका इसका ऑटो क्लीन होगा। और जिस टाइम ये चिमनी ऑटो क्लीन में रन करेगा, ऑटो क्लीन जब आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, ये चिमनी को पहले ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद इसको दबाना है, देखिए यहाँ पर 9 मिनट का, देखिए यहाँ पर एक सेकंड, देखिए ये जो 9 मिनट आप लोगों को दिख रहा है, 9 मिनट टाइम लेके ये ऑटो क्लीन होगा, और 9 मिनट यहाँ पर ऑटोमेटिकली 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो जाएगा,
ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल मोड में चला आएगा, इस मोड में ये चला आएगा। और ऑटो क्लीन होने के बाद यहाँ पर जो इसका जो ऑयल वगैरह है, देखिए इसका जो सबसे बढ़िया खासियत जो देखिए, यहाँ पर पहले ऑयल चिमनी में कुछ ना चिमनी बहुत ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम आता था, अभी सभी चिमनी में ये जो ऑयल कलेक्टर, यहाँ पर देखिए ये ऑयल कलेक्टर अलग है, इसके ऑयल इसको देखिए ऑयल कलेक्टर एक तो दिया गया है, हम आप लोगों को खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान है इसे खोलना। फिल्टरलेस चिमनी को भी आप लोग खोल सकते हैं, जैसे कि बाफिल फिल्टर चिमनी को आप लोग खोलते हैं वैसे फिल्टरलेस को भी आप लोग खोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखिए पहले क्या, पहले का चिमनी में क्या रहता था, यहाँ से एक तो नल के टाइप इस टाइप का पाइप दिया जाता था। ठीक है, उससे होके वो ऑयल कलेक्टर में इस जगह में ऑयल गिरता था, उसके बाद इसमें गिरता था। ठीक है, लेकिन अभी उसके उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, क्योंकि ऑयल ड्रॉपिंग का बहुत प्रॉब्लम आता था, यहाँ से ऑयल ड्रॉपिंग होता था और फिल्टर से भी ऑयल गिरता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके लिए ये ऑयल चैम्बर दिया गया है, ये ऑयल चैम्बर। इसमें क्या होगा, यहाँ से जो ऑयल आएगा इसमें पूरा कलेक्ट होके एक जगह में नल, ये जो देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पर गिरेगा, तो इससे ऑयल ड्रिपिंग का जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो गया है। मतलब जो भी प्रॉब्लम था पहले, अभी सभी चिमनी में आप लोगों को ये मिल जाएगा, नया जितना भी मॉडल आया है ट्रेंडी देखिएगा, इस ये वाला मॉडल देखिएगा, और भी जो भी मॉडल लेटेस्ट है भेगा वगैरह जो भी लेटेस्ट है उसको अपग्रेड किया गया है, उस सभी में आपको ये वाला मॉडल ये मिल जाएगा, और फेवर में तो दिया गया ही है। तो एक अच्छा कंपनी की तरफ से अच्छा चीज़ किया गया है, जिसके वजह से ऑयल ड्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम है वो चिमनी में लगभग ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, और नॉर्मल ऑयल ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम जिस भी चिमनी में आता है उसमें क्या होता है, चिमनी थोड़ा सा ये जो देखिए एकदम सीधा लगा हुआ है ना, चिमनी अगर थोड़ा सा भी इधर टेढ़ा बेका अगर रहेगा या फिर ऊपर नीचे इस तरह से, मतलब एकदम प्रॉपर आपका चिमनी इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जाके उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी इंस्टॉलेशन में गलती होगा और आपका चिमनी में ऑयल ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसका वीडियो इस चैनल में दिया गया है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसका वीडियो इस चैनल में दिया गया, आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं, और चिमनी को सर्विस कैसे करना है उसका वीडियो देखना है तो वो वाला वीडियो भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्राइसिंग आप लोगों को बता देते हैं, इसका जो MRP है 26,990 रुपये इसका MRP है, और आप लोग इसे परचेज़ कर पाएंगे करीबन 20,500 या फिर 20,000, मतलब 20,000 के ऊपर में आप लोग इसे परचेज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो में सबसे बढ़िया जो खासियत है इसमें, इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ही कम है, नॉर्मल जितना भी चिमनी आया है अभी के मार्केट में कुचिना में या फिर इसमें, तो इसमें सबसे नहीं मतलब बहुत ही कम है, 217 वाट मात्र इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पावर है, 217 वाट, तो एक बहुत ही कम है, नॉर्मली 298 इस तरह से मिलता है, लेकिन इसमें मात्र 217 वाट दिया गया है जब आपका ऑटो क्लीन में रन करेगा, नहीं तो करीबन 180 से 190 के बीच में ये आपका चिमनी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करेगा। ठीक है, आप लोग अगर आपका जो चिमनी आप ले रहे हैं या फिर जब आप अगर चिमनी लिए हैं तो उसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पर महीना कितना आता है उसका वीडियो अगर देखना है तो इस चैनल में दिया गया है, आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा क्या आपका महीना में चिमनी कितना इलेक्ट्रिक बिल यूज़ करेगा या फिर कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को आगे भी चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलता रहेगा, और अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसी हम वीडियो डालते रहते हैं हर रोज़, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा वीडियो कब आ गया है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।